फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल काफ़ी लोगों ने फरमाइश की है कि सॉक्स, लेडीज़ सॉक्स जो होती हैं वो बताया जाए कि किस तरीके से बनाई जाती है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से बनाई जाती है। उसके लिए एक तो आपको ऊन चाहिए, एक आपको ये जो है गले सिलने की सिलाइयाँ बोलते हैं, दोनों तरफ से जो है इसमें बेसिकली इस तरीके से जो पॉइंट नहीं होता है, गले सिलने की सिलाइयाँ बोलते हैं ऐसे, गोल गले की सिलाइयाँ या वी गले की सिलाइयाँ इसे बोलते हैं। इससे हम जो है एंकल सॉक्स बनाना मैं आपको बताती हूँ। आप एक सिलाई पे जो है 48 फंदे डाल दीजिए और उनको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कीजिए। इन इन सिलाइयों पर बेसिकली हमें चढ़ाना है, ये जो सिलाइयाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इन सिलाइयों पर हमें चढ़ाना है। तो आप जो है 48 को बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा और इन सिलाइयों पर चढ़ाइएगा। देखिए किस तरीके से, बेसिकली एक सिलाई पे आप 16 फंदे चढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस तरीके से आपने एक में 16 कर दिया। अब आप दूसरी सिलाई लीजिए, इस पे भी आप जो है 16 फंदे उतारिए, 1 2 3, तीनों पे डाल दिए, 16 16 फंदे डल गए हैं। अब हम इन्हें कैसे बुनेंगे मैं ये बताती हूँ आपको। ये इस तरीके से आएंगे, देखिए ऐसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे और ये गोल बनेंगे। इनको आपको फिर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम इस तरीके से कोई चीज़ बनाते हैं। ग्लव्स भी बेसिकली ऐसे ही बनाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो फिर उन्हें हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से देखिए, एक बार मैं बता देती हूँ कैसे। वैसे तो जिनको आता होगा उन्हें तो पता होगा, एक सीधा एक उल्टे की जो है आप वो बना दीजिए, बॉर्डर बना दीजिए इसका। आपको इस ऐसे पकड़ना है, ऐसे इस तरीके से देखिए, और यहाँ से ये जो ये धागा यहाँ लगा हुआ है तो आपने इसके नेक्स्ट वाले सिलाई से जो है इस तरीके से शुरू करना है। खींच के रखिएगा थोड़ा धागा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। थोड़ा धागा खींचिएगा क्योंकि जो है यहाँ पे, नहीं तो ये ढीला आ जाएगा तो आपको फिर उसे सिलना पड़ेगा। तो आप थोड़ा धागा इस तरीके से खींचिए, यहाँ से खींचिए, ये देखिए। अब एक फंदा उल्टा, एक फंदे सीधे की जो है आपने इसी तरीके से चारों तरफ जो है बुनाई करनी है। एक फंदा सीधे, एक फंदा उल्टा। एंकल सॉक्स है ये लेडीज़ के लिए, ये देखिए इस तरीके से। अब जिन्होंने नहीं बनाया होगा उनको थोड़ा सा पहली बार में मुश्किल होगा, बट हाँ ये कोई ऐसा मुश्किल वाली चीज़ भी नहीं है, आसान चीज़ें हो जाती हैं। ये लास्ट का फंदा आया उल्टा, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट का फंदा उल्टा आया इस सिलाई पे, तो अब जो हम दूसरी सिलाई बनाएंगे उस पे हम पहला फंदा सीधा लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये धागा लिया आपने और इसे आप एक फंदा सीधे और एक फंदा उल्टा, इस तरीके से जो है हमने बॉर्डर बनानी है। 7 लाइंस आप इसी तरीके से कीजिएगा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ये देखिए। टोटल फंदे जो है हमने 48 डाले हैं, इनको हमने तीन में डिवाइड कर दिया, 16 16 और 16। अब हम जो है इसका थोड़ा सा छोटा सा एक बॉर्डर बना रहे हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके जो है बॉर्डर बना रहे हैं, देखिए। अब आ जाइए आप दूसरी साइड, इसी तरीके से आपने गोल गोल करके जो है ये बनाते जाना है। 7 लाइंस आप इसी तरीके से बॉर्डर बनाइए, ये देखिए ये बॉर्डर बना दिया।
ये 8 लाइनों का बॉर्डर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ से फर्स्ट लाइन हमने स्टार्ट किया है, वहाँ से हमने बेसिकली जो 48 फंदे हैं हमें उसे आधा करना है। 48 का आधा जो है 24 होता है। तो हम एक सिलाई पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ से आप सीधा ले लीजिएगा, एक दो सीधे बुनिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 हो गए। अब आप इसका लेंगे, क्योंकि हमने इसे 24 करने हैं, 24 स्टिचेस करने हैं, तो आप 16 तो ये हो गए। इस वाली सिलाई से लीजिएगा 16, उसके बाद ये थोड़ा ऐसे खींचेगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। ये देखिए ये आ गए इस पर। अब जो बाकी बचे हुए हैं आप इसे इस दूसरी सिलाई पे बेसिकली उतार लीजिए। हमने जो है 48 फंदों के जो है आधे आधे की, तो आप इसे जो है इसमें सारे फंदों को उतार दीजिए। अब हम पहले वो बुनेंगे जो हमने पहले ये बुने थे, अब हम इन्हें बुनेंगे। ये बेसिकली हम एड़ी बना रहे हैं, जो आपके पैरों की एड़ी होती है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम पहले इसे बुनेंगे, तो उल्टी सिलाई तो आप ऐसे ही कीजिएगा, सारी सिलाई जो है आपने उल्टी कर ली, हमने उल्टी सिलाई कर ली। अब आप आ जाइए इसके बाद के रो में। हम पहला फंदा तो हम उतार लेंगे ऐसे ही, और बाकी फंदे हम नॉर्मल जैसे बुनते हैं वैसे बुनेंगे, सीधा सीधी सिलाई जो है हम सीधी ही करेंगे। बस पहला फंदा आपने उतार लेना है। इसी तरीके से हम उल्टा भी करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और बाकी फंदे जो है हम उल्टे बुनेंगे। ये जो है आपके पैर की एड़ी बन रही है। और मैं ये आपको बता दूं एक चीज़ कि डिपेंड करता है पैर सबके, अपने अपने अलग अलग पैरों के हिसाब से डिपेंड करता है फंदे। आप 42 फंदे भी डाल सकते हैं, 48 फंदे भी डाल सकते हैं, आपके जैसे थोड़ा पैर की बनावट या क्या है उस हिसाब से होता है। अब ये उल्टा साइड आ गया, तो आप इसी तरीके से इसे उतार लीजिए एक फंदा, और बाकी फंदे जो है आप उल्टा बुन लीजिए। तो इसी तरीके से जो है हमें ये 10 लाइनें बनानी हैं उल्टे से। देखिए हमने जो है 10 लाइंस बनानी है। ये देखिए ये हम एड़ी बनाएंगे आप इसकी। अब आपने ये 10 से 12 सिलाइयाँ कर दी, अब आप आ जाइए और एक फंदा आप उतार दीजिए। अब आप 16 फंदे जो है बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये 16 सिलाई आपने बुन ली। अब 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे बचे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से इन दो फंदों को उतार दीजिए, और इन दो फंदों को हमने जो है 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपके जो है 6 फंदे बचेंगे। इसे आप वापस आ जाइए। ये देखिए अब हमने यहाँ पे भी जो है 6 फंदे रखने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, और इन दो फंदों का हमने जो है वो करना है। आप एक फंदा उतार दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8 और ये 9 फंदे हमने बुन लिए। अब ये जो है उल्टी तरफ से हम 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये देखिए ये जो हम एड़ी बना रहे हैं बेसिकली। ये देखिए बना लिया। अब आप पलट दीजिए इसे। ये 6 फंदे हमने ऐसे ही रखने हैं। अब एक फंदा आप उतारिए, बाकी फंदे आप बुनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये फंदा बेसिकली, फिर हमने 2 फंदों का 1 फंदा करना है, तो हमें ये और यहाँ से एक फंदा लेना है, और इन दो फंदों को जो है हमने 2 का 1 कर देना है इस तरीके से। फिर
फिर आप पलट लीजिए। ये फंदे नहीं बुनने हैं आपने, ये फंदा उतारिए और फिर बाकी फंदे आप बुन लीजिए। इसी तरीके से जो है जब तक ये फंदे हमारे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमने ऐसे ही दोनों तरफ से जो है इसे बनाना है। ये ऐसे इसका और इसका, इन दो फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए इस तरीके से, फिर पलटिए। अब ये आपके पास पांच है अभी, फिर फंदा एक उतारिए। इसी तरीके से हमने जो है ये सारी सिलाई तब तक करनी है जब तक हमारे ये फंदे नहीं ख़त्म नहीं हो जाते। लास्ट रो में आ गई मैं, ये एक फंदा बचा है, आप इसे करके ये देखिए हमारी बेसिकली हील जो है वो बन गई है। अब इस साइड से एक बचा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट रो आ गए हम, ये और ये देखिए इसमें एक फंदा बचा हुआ है इस वाली सिलाई पे, तो इसे हमने बना लिया। और ये देखिए ये हमारी जो है ये हील बन गई, ये देखिए ये हील बनी है। ये हमारे पास 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे यहाँ पे बचे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली यहाँ पे फंदे ये उठाने हैं, ये हमें 12 से 14 फंदे जो हैं उठाने हैं। वो मैं बताती हूँ कैसे। देखिए इन्हें तो आप नॉर्मल बुन लीजिए, ये देखिए। अब जो है हमने बेसिकली ये फंदे यहाँ पे उठाने हैं, तो किस तरीके से उठाने हैं ये देखिए। एक, ये दो, ये आठ, नौ, दस, ग्यारह, ग्यारह से बारह फंदे जो है आपने बेसिकली इसके उठाने हैं। ये देखिए ये हमने 12 फंदे उठा लिए। अब इसके बाद ये जो है ये 10 और 12 22 फंदे हो गए। अब आप इस साइड आ जाइए, इसे हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हम बुन रहे थे, और इसके बाद नेक्स्ट उस पर हम फंदे उठाएंगे जैसे हम बुन रहे थे उसी तरीके से इसे। ये हमारे 24 फंदे थे जो हम बुन रहे हैं, जो हमने छोड़े हुए थे। देखिए अब हम इस तरफ से भी जो है फंदे जो है यहाँ से भी फंदे उठाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये फंदे उठाएंगे, तो इस तरीके से देखिए ये हील बन जाएगी। देखिए अब आप इस तरफ से भी आपने जो है, जब हमने 12 फंदे वहाँ से उठाया है, तो इस तरफ से भी आपने जो है 12 फंदे जो है उठाने हैं। ऐसे एक, ये जो आपको दिख रहा है इनमें से आप इस तरीके से लेंगे तो ये स्टिचेस बेसिकली हो जाएंगे। 2, 3 इस तरीके से आपने जो है ये सारा 12 फंदे उठाने की, फंदे इस तरफ से भी उठा लिए और इस तरफ से भी उठा लिए। अब आपने एक सिलाई जो है इस तरीके से जैसे आप नॉर्मल बनाएंगे वैसे बनानी है। इसे तो आप सीधा बुन लीजिए, एक सिलाई पूरी तीनों की राउंड जो है आपने एक एक जो है इसी तरीके से करना है। अब जो आपका ये साइड है ये भी आपने नॉर्मल जैसे निट करते हैं हम उसी तरीके से जैसे बुनते हैं हम सीधी सिलाई, वैसे ही आपने इसे भी बनाना है। ये पूरी तीन सिलाइयाँ आपने जो है इसी तरीके से करनी है। बेसिकली ये एक रो जो हमने है सीधे का पूरा करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ उसे हम आगे कैसे बढ़ाएंगे।
देखिए ये हम यहाँ पे वापस आ गए जहाँ से हमने एड़ी बनाई थी। अब इस एड़ी के जो ये हमारे 10 फंदे थे, इसके 5 फंदे हम इसमें बुनेंगे। इस वाली सिलाई में जो है हम इसके 5 फंदे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। ये आप एड़ी के सेंटर में आ गए। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपनी सिलाई। बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट हम अब करेंगे वो हमारा यहाँ से शुरू होएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये फंदे यहाँ तक तो बुनने हैं, ये 3 फंदे आपने छोड़ने हैं लास्ट के। मैं बताती हूँ, इन 2 का हमें एक करना है फिर एक बुनना है। तो ये देखिए, इसे आप नॉर्मल जैसे बुनते हैं उसे बुन लीजिए। ये देखिए हम लास्ट के 3 स्टिच पे आ गए। अब आपने क्या करना है, इन 2 फंदों का 2 का एक करना है और ये फंदा नॉर्मल बुनना है। इस लाइन को तो आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को जैसे है वैसे ही आपने ये सीधा बुनना है। पूरी लाइन आपने सीधी करनी है, इसमें आपने कुछ भी नहीं कराना, घटाना है ना कुछ करना है, ये पूरी लाइन जो है सीधी ही आएगी। ये देखिए, ये अब आ गए आप इस साइड वाली लाइन में। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पहला फंदा तो आप ऐसे ही बुनिए और ये 2 फंदों का एक करना है। ये उतार दीजिए और ये देखिए ऐसे। फिर बाकी सारी सिलाई जो है हमने नॉर्मल बुनी। ऐसे हमने ये सिलाइयाँ जो है बनानी है, एंड तक आपने इसको ऐसे ही करना है। देखिए के बाद आपने जो अगली रो है वो नॉर्मल बुननी है, उसमें आपने घटाना नहीं है। जैसे हम करेंगे वैसे ही आपने नॉर्मल रो एक पूरी बुननी है। ये मैं आपको बता रही हूँ, बेसिकली एक रो में आपको घटाना है, एक रो में आपको नहीं घटाना है। तो ये रो अब हम जो है नॉर्मल बुनेंगे, तो इसी तरीके से ये जो है रिपीट होगी। ये देखिए, इसमें हमें घटाना नहीं है इस रो में। इसमें हमें नहीं घटाना है, ये रो हमारी पूरी जो है ऐसे ही करेंगे हम। इसके नेक्स्ट वाले रो में जो है फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी घटाया था, वैसे ही हम घटाएंगे। ये देखिए, इसमें हम नहीं घटाएंगे। ये देखिए, एक पूरी लाइन हो गई। अब ये जो दोबारा हम दूसरी लाइन में कर रही हूँ, पहले हमने घटाया, फिर एक लाइन में हमने नहीं घटाया, अब इसमें हम फिर घटाएंगे। लास्ट के जो 3 हैं के पहले 2 में हमने 2 का 1 कर देना है और एक ऐसे ही बुनना है। ये देखिए, ये वाले लाइन में तो, ये वाली सिलाई में तो हमें आगे वाले में कुछ नहीं करना है, ये तो हमें सिंपल सीधी सिलाई जो है वो पूरी बुननी है। अगेन ये वाली लाइन आगे देखिए, इस वाली ये वाली सिलाई आ गई, तो इसे हमें एक बुनना है। ये इस तरीके से इन 2 का हमें एक करना है और बाकी सारी सिलाई जो है सिंपल बुननी है। इसके बाद के जो हम एक लाइन पूरी, तीनों सिलाइयों के एक एक लाइन जो है वो बिना घटाए हुए करेंगे। तो हमने जो ये घटाया, ये हमने दूसरी बार घटाया यहाँ पे। अब इसके बाद सिर्फ हमने एक बार और घटाना है। ये देखिए, ये लाइन, अब जो हम ये लाइन करेंगे, यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये लाइन जो हम करेंगे, ये हम पूरी लाइन, ये भी, ये भी, ये भी, तीनों सिलाइयाँ सारी ऐसे ही करेंगे। इसमें हम कहीं भी कोई चीज़ नहीं घटाएंगे, सीधे बुनते जाएंगे ये तीनों लाइन। ये देखिए, ये फिर हम वहीं पे आ गए, एक बार और घटेगा। एक लाइन हमने पूरी सीधी की थी, बेसिकली ये 3rd टाइम हम घटा रहे हैं। तो यानी कि एक लाइन में घटाना है, एक में नहीं घटाना है, तो ये 6 लाइनें आपने जो है इसी तरीके से करनी है। एक में घटाना है आपने, एक में नहीं घटाना है आपने। ये देखिए, ये 2 फंदों का एक करना है और एक सीधा बुनना है।
बेसिकली ये जो है ये आपके आगे का पोर्शन आ रहा है, तो ये एक एक जो है आगे का पोर्शन जो आ रहा है ये एक लाइन इस तरीके से बनेगी, ढंग से आपके जो है शेप आएगा बेसिकली आपके पैर का। ये वाली लाइन में तो हमें कुछ नहीं करना है, ये वाली लाइन तो हमें ऐसे ही सीधी बुननी है। ये लास्ट मैं इस लाइन में जो है बंद कर रही हूँ, एक फंदा बुनेंगे और इन दो फंदों का जो है दो का एक कर देंगे, यानी कि यहाँ से तीन और वहाँ से तीन आपने घटाए हैं छह सिलाइयों में, एक सिलाई में नहीं घटाए एक में घटाए। इस तरीके से जो है आपने ये पूरा जो है आगे का पोर्शन कर लिया। ये देखिए ये जो है ये इस तरीके से आएगा, देखिए आप इसका जो ये शेप है बेसिकली ये ढंग से आएगा कि ये आपने बना लिया। अब इसे आप इतना बनाइएगा, ये बेसिकली आगे का पार्ट है, ये आपकी एड़ी है। अब आप इसे इतना बनाइए जितना आपकी पैर की जो है लंबाई है, बेसिकली आपके जो पंजों से पहले टो से पहले जो है पंजों से पहले जो है आपकी जो आती है वहाँ तक आप इसे लंबा बना दीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसे घटाना है। ये बस कुछ नहीं करना, आपने निट करते जाना है इसे, तो आप चारों तरफ से इसे निट करते जाएंगे तो ये जो है सॉक्स की तरह बंधा जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको ये बनाते जाना है, ये एंकल सॉक्स आपका इस तरीके से बन जाएगा। कि ये जो है सॉक्स लंबाई पूरी हो गई इसकी। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि अंगूठे वाली बेसिकली इसमें एंकल पंजा नॉर्मल भी बन सकता है और अंगूठे वाला भी बन सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ अंगूठे वाले पे आपको क्या करना है। अंगूठे वाले पे बेसिकली आपको इस साइड से इस वाली दोनों जुड़ा में अलग साइड पर होगा, इस पे इस साइड से होगा, अगली दूसरी पैर में जो है इस साइड से आप अंगूठे के जो है फंदे अलग से रखेंगे और उन्हें अलग से बनाएंगे। देखिए कैसे जो ये फंदे आपको ये दिख रहे हैं, आप इनमें से जो है ये लाइन है, आप इनमें से जो है दो दो चार पाँच छः और दो दो चार पाँच छः ये फंदे जो है आप अंगूठे के लिए अलग रखेंगे। और उसे किस तरीके से रखेंगे देखिए, ये आप एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ये छः फंदे हमने इस वाली उसमें ले लिया। अब इस वाली सिलाई से हमें छः फंदे लेना है, तो हम क्या करेंगे ये जो बाकी फंदे हम इसमें डालेंगे, छः के अलावा बचे हुए फंदे जो है हम इसमें जो है आप बुन के डालिए। दो दो चार पाँच छः ये हमने इसमें डाल लिया और इसमें हमारे छः है और इसमें छः है। ये हमारे फंदे जो है थोड़े से दो तीन फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, इसे यहाँ से उठाएंगे और ये हमारा अंगूठा बन जाएगा और बाकी ये जो है हमारा बाकी पोर्शन बनेगा। तो इसे अब अभी आप ऐसे ही रखिए, मैं आपको बताती हूँ। इसे बना लेते हैं पहले अंगूठे को, तो मैं आपको बताती हूँ कि अंगूठे को हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसकी, तीन चार पाँच छः, ये इसमें छः आ गई। नेक्स्ट सिलाई ले लीजिए, दो तीन चार पाँच ये छः। अब हम यहाँ पे जो है ये जो है इसको गोल बनाने के लिए, बेसिकली गैप ना आए गोल बनाने के लिए फंदे जो है उठाएंगे। वो कैसे उठाएंगे मैं आपको बताती हूँ। इस उंगली पे आप ऐसे ले लीजिए, एक दो अब इसमें बेसिकली हम यहाँ पे जो है फंदे बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए
हम इसके बीच में से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे लेंगे, धागे को इस पे से लेंगे और इस पे से निकाल के यहाँ डालेंगे एक। फिर अगेन इसके बीच में से, इन दोनों के बीच में से हम लेंगे और इसे निकाल के यहाँ डालेंगे। दो दो फंदे बढ़ गए हमारे। फिर अगेन इन दोनों के बीच में से अब लेंगे ऐसे तीन, और एक और बढ़ाएंगे। चार फंदे हम बेसिकली यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इन्हीं दोनों के बीच में से हमें लेना है इस तरीके से, धागा ऐसे लपेटना है और इसमें से जो है हमें निकाल देना है और इसके ऊपर लगाना है। ये हो गए। तो ये फंदे आप इस सिलाई पे उतार लीजिएगा, एक दो तीन चार और ये पांच। ये देखिए, पांच फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं, चार फंदे बढ़ाए बेसिकली, नॉट पांच। अब वैसे ही बुनिए जैसे हम बुनते आए थे इन तीन सिलाइयों को। थोड़ा सा टैकल है, अगर आप इन वालों को दूसरी सिलाई पे रखेंगे तो अलग बात है। ये देख लीजिए, और इसे हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हम नॉर्मल बाकी बुनते आ रहे हैं, वैसे हम इसे ये देखिए बन गया। इस बेसिकली ये फंदे जो है आपके अंगूठे पे डिपेंड करते हैं कि आपका अंगूठा मोटा है पतला है, उस बात पे जो है डिपेंड करते हैं। आपको इसी तरीके से अपने अंगूठे की लंबाई तक इसे थोड़े से हल्का से थोड़े नीचे तक इसे इसी तरीके से प्लेन बनाना है, और फिर या तो चाहो तो आप इकट्ठे एक साथ उन फंदों को बंद कर दो, या फिर वैसे ही घटाइए जैसे मैंने आपको, जैसे मैं अभी आपको इस साइड पर बताऊँगी कि घटाना किस तरीके से होता है।
देखिए, ये देखिए इस तरीके से जो है अलग से आपका बनता जाएगा अंगूठे की छह। ये देखिए, ये तो आपने छोड़ दिए है उसके लिए साइड के पंजे के लिए, और ये जो है आपका अंगूठा इस तरीके से जो है बनता जाएगा। अब आपने जितना बड़ा है साइज, जितना लंबा करना है उतना आप इसे लंबा बुन लीजिए, और उसके बाद एक साथ सुई से धागा डाल के भी आप इसे खींच के बंद कर सकती हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया है मेरे दूसरे सॉक्स के वीडियो में कि किस तरीके से घटा के बंद किया जा सकता है, वैसे करना है। और इस साइड पे आपने क्या करना है कि यहाँ अभी इतना तो आपने थोड़ा सा इस साइड पे प्लेन बुनना है, यहाँ आपने इन साइड्स पे घटाना है, ये दो पे घटाना है और ये दो पे घटाना है। ये सिर्फ साइड पे घटेगा, यहाँ पे नहीं घटेगा, यहाँ पे सीधे ऐसे चढ़ेगा और यहाँ पे घटेगा, अंटिल अनलेस ये 10 फंदे आपके रह जाएंगे, और 10 फंदे आप सुई से उसी तरीके से बंद कीजिए जैसे कि मैंने अपनी दूसरी एंकल सॉक्स में आपको बताया हुआ है। वो एंकल सॉक्स आपकी पंजों के लिए, और ये बेसिकली ये अंगूठे का बता रही हूँ मैं आपको कि अंगूठा आप किस तरीके से जो है बना सकती है अलग से, जिनको भी अंगूठा अलग से बनाना है। इनको आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से इसको बुनना है, यहाँ के लास्ट के तीन फंदों में से दो का एक करना है, एक बुनना है, फिर आप जब दूसरी लाइन पर आएंगी तो एक बुनना है, दो का एक करना है और सीधा बुनना है। इस तरीके से जब आप करती जाएंगी और जितना आपका बड़ा वो हो जाएगा उसके बाद आप उसे एक साथ सुई से बंद कर दीजिए, 10 फंदे जो है ऊपर आ जाएंगे, वो आप बंद कर दीजिए। थैंक यू।